नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे की एंड इट्स टाइप्स इन मशीन कंपोनेंट डिजाइन। मशीन कंपोनेंट डिजाइन में की का क्या फंक्शन है, कितने प्रकार की होती है और कहां कहां पे की का उपयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में की एंड इट्स टाइप इन मशीन कंपोनेंट डिजाइन, यह क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने प्रकार की होती है, या की का फंक्शन बताइए, या की पर कौन कौन से लोड हैं जो कि एक्ट होते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं की एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से नोटिफिकेशंस मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम की के बारे में जानें कि की क्या है। तो जो की होती है, की इज अ मशीन एलिमेंट। की मशीन एलिमेंट है या मशीन पार्ट है, जिसका उपयोग हम कोई दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। दो ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि हम समझें कि ये हमारे पास एक शाफ्ट है, ये पेन जो है ये शाफ्ट है, अब इसके ऊपर हमको पुली को फिट करना है, मींस इस शाफ्ट के ऊपर हमको पुली लगाना है। तो हम इसके ऊपर पुली में बीच में ड्रिल होगा, पुली को इसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि ये फ्रीली रोटेट करे। तो इसको टाइट करने के लिए हम इसके साइड से क्या, इसके होल जो है यहाँ पे हमारा कीवे बना होगा, जिसके अंदर हम की को फंसा देंगे। तो अब शाफ्ट घूमेगी तो शाफ्ट के साथ पुली भी घूमेगी, ठीक। तो मींस की जो है एक मशीन एलिमेंट है, विच यूज टू कनेक्ट द ट्रांसमिशन शाफ्ट टू रोटेटिंग मशीन एलिमेंट, मींस जोड़ने के लिए, ट्रांसमिशन शाफ्ट को मशीन एलिमेंट के साथ जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, की का उपयोग करते हैं। जैसे कि पुली, गेयर, स्प्रॉकेट एटसेट्रा, या फ्लाईव्हील। जैसे कि हम क्रैंकशाफ्ट की बात करें, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर जब हम फ्लाईव्हील को फिट करेंगे तो उसमें हमको की लगाना पड़ेगी, ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाता है, की का काम होता है, पुली को जोड़ना किसी शाफ्ट के ऊपर, गेयर को, फ्लाईव्हील, इन सबको हम आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, की का उपयोग करते हैं। इट इज आल्सो प्रिवेंट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स। साथ ही इन दोनों के बीच में, यदि हमने शाफ्ट के ऊपर आपने क्या कर दिया, किसी एक पुली को लगा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों अलग अलग मूव कर रहे, मीन्स पुली लगा दी तो पुली शाफ्ट घूमेगी तो ही पुली घूमेगी, अलग अलग दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं होता है। इसको कौन रोकता है, इसको की रोकती है, ठीक। और जो की होती है, की हमारे डक्टाइल मटेरियल्स की या प्लेन कार्बन स्टील की हम बनाते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा, जिससे इसकी हार्डनेस, हार्डनिंग वगैरह इंप्रूव की जाती है, ठीक। अब दोस्तों हम देखेंगे ये कितने प्रकार की होती है। तो इसके यदि हम प्रकार के बात करेंगे तो इसके जो प्रकार या क्लासिफिकेशंस, हम इसको क्लासिफिकेशंस भी बोल सकते हैं कि कैसे हम की को वर्गीकृत करेंगे। तो हमारी बेसिकली पांच प्रकार की हैं जो कि उपयोग की जाती हैं किसी भी दो मशीन पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे कि संक की, सैडल की, टेंजेंट की, राउंड की एंड स्प्लाइनेस। ये हमारी की के प्रकार हैं, जो अलग अलग प्रकार की आपको इस डायग्राम में भी दी हुई है, जो कि एक साइलेंट पीस मेटल्स का है। तो अलग अलग शेप साइज की हमारी की दी हुई है। साथ ही आपको ध्यान रखना है संक की, सैडल की, टेंजेंट की, राउंड की एंड स्प्लेनेस की, ठीक। ये पांच प्रकार की हैं जो कि उपयोग की जाती हैं। अब सबसे पहले हमारी आती है संक की। संक की इज अ की। संक की क्या है, एक की है, इन विच हाफ द थिकनेस ऑफ द की फिट इन टू द की वे, मीन्स जिसकी आधी जो मोटाई होती है, आधी थिकनेस होती है, एक की वे में फिट हो जाती है, मीन्स जो हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट के अंदर की वे बना होगा,
जिस शाफ्ट के ऊपर हम किसके लिए पुली को चढ़ा रहे हैं, पुली को फिट कर रहे हैं। ये शाफ्ट है, इसके ऊपर हमने ये पुली लगाई, तो इसमें क्या होगा, की बे बना होगा आधे पोर्शन में, हल्का हाफ थिकनेस का, की की आधी थिकनेस का। ठीक, थिकनेस ऑफ की फिट इनटू द की बे ऑफ हब मींस, जिसको हम पुली बोल रहे हैं इसको हम हब भी बोल सकते हैं। ठीक, एंड रिमेनिंग हाफ रिमेन्स इन द की वे ऑफ शाफ्ट, जो बाकी का रिमेन्स होता है आधा तो हब के अंदर और आधा आपका किसके अंदर होता है, शाफ्ट के अंदर होता है। दीज की आर वेरियस टाइप्स, जो हमारी शंख की होती है इसके भी सब टाइप होते हैं। जैसे कि हम बात करें, स्क्वेयर शेप में हो सकती है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है अलग अलग, जो रेड कलर में की लिखा है वो एक्चुअल में की है। ठीक, तो हमारी रेक्टेंगुलर शेप में हो सकती है, स्क्वेयर शेप में हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है, वुड रफ भी हो सकती है, या फीदर हो सकती है, कई प्रकार की जो है शंख की बनाई जाती हैं। ठीक, इसके बाद है दोस्तों सैडल की एंड टेंजेंट की। अब सैडल की का मतलब है सैडल, सैडल ये भी हमारी मशीन को जोड़ने में काम आती है, लेकिन हम अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की का उपयोग करते हैं। तो जिसमें कि सैडल की है, तो सैडल की जो होती है विच फिट इन द कीवे, ये हमारी कहाँ पे फिट होती है, कीवे में, किसके, हब ओनली ऑफ द हब ओनली, सिर्फ हब के कीवे में। दिस की कीवे इज टू मेड ओनली इन द हब, इस प्रकार की की में जो कीवे होता है वो सिर्फ हब के अंदर बना होता है। हब के अंदर मतलब इतना छोटा, अंदर तक हमने मेटल को काट दिया शाफ्ट के तो या हब के, तो उसको हम बोलेंगे कीवे, जिसके अंदर इसको हम फंसा देंगे। तो ये हमारे आपस में दो पार्ट जुड़ जाएंगे जिनके बीच में आपस में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो दिस कीवे इज टू मेड ओनली इन द हब, हेंस इट्स कॉस्ट इज लो, इसलिए इसकी जो कास्ट आती है बनाने की एक कम आती है, ये सस्ता होता है। दिस इज अ एडवांटेजेस ऑफ सैडल की। टेंजेंट की का मतलब होता है जब हमारी की टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमारी अटैच करे दो पार्ट के लिए। जैसे कि यहां पे आपकी जो टेंजेंट की का डायग्राम है नीचे वाला, टेंजेंट की जो होती है, दिस की आर यूज्ड इन हैवी ड्यूटी कंपोनेंट या हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स। टेंजेंट की का उपयोग हम हैवी, जो अधिक वजन के पार्ट्स होते हैं या ड्राइविंग सिस्टम होता है, जिस जगह पे हम टेंजेंट की का उपयोग करते हैं। दिस की आर एक्चुअली इन पेयर, एक्चुअली आप पेयर, पेयर का मतलब है जोड़े में होती है, मींस ये जो आपकी टेंजेंट की होती है ये हमेशा जोड़े में होती है, मींस दो होंगी पेयर में। दीज पेयर ऑफ की आर प्लेस्ड राइट एंगल टू ईच अदर, ये राइट एंगल्स में, एक दूसरे के राइट एंगल्स में क्या होती हैं, इस प्रकार की जो की है इनको प्रोवाइड किया जाता है टू द सरफेस ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के सरफेस पे। यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा इंक्लाइंड आपको दिख रहा है, इसको हम राइट एंगल्स की बात करेंगे तो सीधे एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती हैं और वर्टिकल राइट एंगल्स पे होंगी। इस प्रकार से हम लगाते हैं, जैसे एक को ऐसा लगा दिया, दूसरे को ऐसा लगा दिया, तो ये टेंजेंट सॉरी, तो इसको हम टेंजेंट की बोलते हैं। अब आती है राउंड की एंड स्प्लेनेस। राउंड की का मतलब है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, राउंड की मतलब आपका जैसे ये पेन है तो ये सर्कुलर है, तो इस प्रकार की हमारी राउंड की होगी। और जैसे कि हम देखते हैं जो हमारा बाइसिकल होता है, बाइसिकल का जो एक्सल होता है, एक्सल और शाफ्ट के बीच में हम एक काटर डालते हैं, उस काटर को हम राउंड में भी हो सकता है तो उसको भी हम बोल सकते हैं राउंड की। तो आपका जो पैडल है और एक्सल है, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए, ऐसा नहीं है कि पैडल अलग मूव कर रहा है और उसकी जो शाफ्ट है, एक्सल है, उसको घुमा ही नहीं रहा है ना। तो यहां पे हमारी जो राउंड की होती है वो राउंड शेप में होगी, तो इट इज अ सर्कुलर इन सेक्शन एंड फिट इन टू द होल्स। इसका जो सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है और ये होल्स के अंदर फिट की जाती है, जब दो चीजों को, हब या शाफ्ट को हम आपस में जोड़ते हैं। दिस की विल बी प्लेस्ड हाफ पोर्शन होल इन द शाफ्ट
एंड द अदर हाफ पोर्शन होल इन द हाफ, मींस आधा होल जो हमारी इस की का पोर्शन होता है वो शाफ्ट के अंदर रहता है, बना रहता है, और आधा हमारा हाफ के अंदर बना होता है। तो इन दोनों को आपस में जैसे हम ऊपर शाफ्ट के ऊपर हाफ को असेंबल करेंगे और इस की को फंसा देंगे तो ये आपस में अब अलग अलग नहीं घूमेंगे, एक बार यदि आपकी शाफ्ट रोटेट करेगी तो हाफ भी घूमेगा। ठीक, इट इज यूज्ड फॉर लो पावर ड्राइव्स, इसका उपयोग हम लो पावर ड्राइव्स में अक्सर करते हैं। अब लास्ट जो आपका है दोस्तों, इसमें स्प्लेनेस, स्प्लेनेस का डायग्राम आपका नीचे वाला है। स्प्लेनेस होता है, इसका उपयोग हम स्पेशल यूज में करते हैं, स्पेशल एप्लीकेशंस में करते हैं। स्प्लेनेस जैसे कि हम बात करें कि आपकी जो बाइक होती है, बाइक में आपने कभी सर्विसिंग के टाइम ध्यान दिया हो तो जो हमारी क्लच प्लेट्स होती हैं, अलग अलग प्लेट्स होती हैं मल्टीप्लेट क्लच में, तो वहां पे हमारा स्प्लेनेस यूज होता है। सारी प्लेट्स को असेंबल करने के बाद हम इसको स्प्लेनेस को लगा के एक बोल्ट कस देते हैं। या हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में जो गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स में कॉन्स्टेंट मेस गियर बॉक्स है या स्लाइडिंग मेस गियर बॉक्स है, वहां पे भी हमारी इस प्रकार की का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स की और की का फंक्शन था। कल मैं कोशिश करूंगा एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आऊं। थैंक यू।